हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो अभी हम लोग उठ चुके हैं और जैसा कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम लोग अभी ऋषिकेश में हैं, तो अभी यहां से थोड़ी देर में निकलेंगे। तो अभी आज हम लोग नहाए नहीं हैं, आगे जाके नहाएंगे देवप्रयाग में, क्योंकि यहां पे लेट हो जाएंगे और रात को भी लेट हो गए थे। तो अभी सुबह सुबह अभी ब्रेकफास्ट करने चलते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलते हैं। तो अभी मिलते हैं आपको ब्रेकफास्ट टेबल पर। तो भाई, कमरे की हालत कुछ ऐसी है, बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। तो अभी चलते हैं हम लोग। तो भाई, फिलहाल आ गया है प्लान में चेंज। अभी ब्रेकफास्ट लेके आने में वो लोग टाइम ज़्यादा लगा रहे थे, तो मैंने सोचा इतनी देर में टाइम वेस्ट कर रहे हैं आपा, तो उस टाइम को यूज़ किया जाए। तो इतनी देर में मैं नहा लिया हूँ, तो अब देखते हैं ब्रेकफास्ट आया या नहीं आया। तो चलिए चलते हैं। चलो अभी चलते हैं, डोर को पहले लॉक कर देते हैं। तो जी, आ गया हमारा ब्रेकफास्ट, खत्म भी कर दिए इतनी देर में। ओके, चलो भाई, होटल से चेकआउट कर रहे हैं। तो अभी निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और निकलते हैं यहाँ से। 1 सेकंड, 1 सेकंड। तो भाई, यहाँ पे एक बार पुलिस वालों ने हमको पकड़ लिया है, तो एक बार उनको कागज वगैरह दिखा देते हैं गाड़ी के, तो उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। तो भाई साहब, अब हमारे साथ दर्द भरी घटना हो चुकी है, जो कि हमारी गाड़ी पंचर हो चुकी है। पंचर नहीं, सॉरी, टायर में कट लग गया। गाड़ी रोड पे पत्थर पड़ा था, तो उस वजह से टायर में कट लग गया। अभी आपको दिखाते हैं, ये टायर हमारा चेंज कर रहे हैं भाई जी। तो भाई, टायर चेंज करते हुए भाई पुलिस वालों से निकलते ही यहाँ पे टायर में कट लग गया, तो ये बड़ा ही गलत काम हो रहा है हमारे साथ। वहाँ पुलिस वालों से निकले थे, इतने में टायर पंचर हो गया, पंचर नहीं सॉरी कट गया, टायर फट गया ये। तो अभी ढूंढ रहे, कुछ सामान भी नहीं मिल रहा है अभी इन लोगों को, अभी सामान ढूंढ रहे हैं। ओ भाई साहब, सामान भी नहीं मिल रहा अभी तो भाई। यहाँ पे एक तो टायर का ये जैक उठाने के लिए हमको पाना नहीं मिल रहा, और ऊपर से बारिश शुरू हो चुकी है। ये आप लोग देख सकते हो, वीडियो में शायद ना दिखे बट शीशे पे जरूर दिख जाएगी। तो अभी यहाँ पे बारिश भी शुरू हो चुकी है, तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि अभी तक तो हमें ये जैक उठाने के लिए वो रोड भी नहीं मिल रही इसकी, तो टाइम लगेगा अभी। और बारिश चल रही है भाई, मौसम बहुत ही मस्त मौसम हो रखा है, और अभी हम मौसम के साथ स्ट्रगल करते हुए यहाँ पे टायर चेंज करेंगे। और देख लो भैया, ऐसे ऐसे टायर निकाला जा रहा है, ये बड़ा ही गंदा सिस्टम आ गया इसके अंदर, सीएनजी कार के अंदर। तो अभी यहाँ से टायर निकाला जा रहा है, निकालो भाई। ये देखो भाई, टायर निकल गया, अभी टायर चेंज करते हैं भाई। यहाँ पे हमको रोड अभी तक नहीं मिली, टायर तो हम लोगों ने उतार दिया, बट अभी रोड ढूंढ रहे हैं। और ये हमारे भाई स्ट्रगल करते हुए रोड मिल गई, बधाई बधाई, रोड मिल गई भाई। डालो इसमें भाई, बारिश भी शुरू हो चुकी है, और अभी हमारा टायर उठाने के लिए सिस्टम भी शुरू हो गया है। टायर जैक उठा रहे हैं, जैक से गाड़ी को उठाया जा रहा है, और अभी तो बहुत टाइम लगेगा, तो अभी चल रहा है प्रोसेस। तो ये हमारे कुछ शरारती तत्व मजे लेते हुए, जो कि टायर फट गया है, और यहाँ पे भाई साहब पूरा जोर लगाते हुए टायर चेंज कर रहे हैं। तो खैर, लगे रहो भाई, बारिश आ चुकी है, और हमारे ड्राइवर भाई साहब परेशान हो चुके हैं, टायर फट गया। तो चलो भाई, अब टायर चेंज करते हैं। भाई की शक्ल देखने लायक है, अब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही है, बहुत ही ज़्यादा जोर लगाते हुए, अपने जिम का जोर लगा रखा है। तो भाई, ये लोग नट टाइट करने की कश्मकश में लगे पड़े हैं, और ये हमारा गंदा सा टायर इस गाड़ी में लग चुका है, और देखते हैं अभी कितनी देर तक हम लोगों को बारिश में स्ट्रगल करना पड़ता है। तो अभी लग रहे हैं भाई साहब टाइट करने में, तो
जैसे ही टाइट होता है भाई के हाथ भी खराब हो गए, और जैसे ही नट टाइट होते हैं हम लोग निकलते हैं यहाँ से। तो फिलहाल जो एक्स्ट्रा टायर था वो यहाँ पे लगा दिया गया गाड़ी में, तो अभी इस टायर में ट्यूब डलवाएंगे जिससे कि हमको प्रॉब्लम ना हो। तो अभी भाई के हाथ धुलवा देते हैं पहले। ये मेहनत रंग लाई है। जब भी टूर पर जाओ तीसरे से बंदा ने जरूर लेकर जाया करो। तो भाई यहाँ पे टायर चेंज हो चुका है, अब चलते आगे। जय श्री राम। चलो भाई 200 किलोमीटर आ गया वहां का। तो भाई वाह, बहुत ही बढ़िया मौसम, और मौसम का आनंद लेते हुए चलते हुए हम लोग सारे। उत्तराखंड की पहाड़ियां मन जैसा लगे से, पार्वती मैया तुम्हें प्रणाम, तू चारों ओर से संगी रे। तो भाई अब हम लोग आ चुके हैं देवप्रयाग में, तो आप लोगों को दिखाते देवप्रयाग। ये देखिए भाई, ये जो दो नदियां हैं ये इधर मिलती है, एक ये वाली होगी और एक ये वाली होगी, ये आपस में मिलती है यहाँ पे। दर्शन करके हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से, तो अब चलते हैं रुद्रप्रयाग में। तो बारिश आप लोग देख लीजिए, बारिश कंटिन्यूसली चल रही है, तब से बारिश अभी तक रुकी नहीं है। और ऐसे ऐसे रोड तो बहुत ही सुंदर लग रहे भाई यहाँ पे। वाइपर चलाना सर। हाँ, तो ऐसे ऐसे रोड जो है यहाँ पे घूमने का मजा ही अलग है भाई। ये देखो इस साइड से पुल, और ये मस्त वाला मौसम। तो चलो अब आगे मिलते हैं आप लोगों से। भाई वाह, पहाड़ों का नज़ारा देख लो भाई। ये ऊपर बादल है जो कैमरे में अच्छे से आ नहीं रहे, बट बादल है बहुत सारे ये ऊपर, और बारिश भी चल रही, इतनी शानदार बारिश। और बारिश में सफ़र करने का मज़ा ही अलग है भाई। ये यहाँ से छोटा सा रास्ता आ गया धारा देवी मंदिर 5 किलोमीटर। ये देखो भाई कैसा रास्ता है, इधर आगे ऐसे ही छोटा रास्ता चलेगा अभी काफ़ी देर तक। लो जी अब करते हैं लंच, अब भी बारिश आ रही है तो उतरते हैं अभी लोग खोल के। भाई वाह, छतरी के नीचे आ जाना। तो ये देखो भाई यहाँ पे खराब रास्ते की शुरुआत हो चुकी है। अभी पता नहीं कितनी दूर और चलना पड़ेगा इसी खराब रास्ते पे। तो चलते हैं। ये पता नहीं क्या है, ये फ्लाई ओवर ट्रेन आ रहा है, ये ब्रिज तो बन रहा है, ब्रिज बन रहा है। भाई वाह, ये बड़ी मस्त चीज बन रही है जो भी है। जबरदस्त, ये इतनी बड़ी नदी है यहाँ पे, ये देखिए, और वो ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन। जबरदस्त बारिश में थोड़ी देर, बहुत देर हो गई हमको चलते हुए, तो थोड़ी देर के लिए रुके हैं ताकि थकावट दूर हो जाए। तो अभी आप लोग देखिए इधर का नज़ारा कितना प्यारा है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त। ऊपर चल रहे हैं अपने, बादल चल रहे हैं ऊपर,
और ये देखिए सीढ़ीदार खेत यहाँ के भाई कितना सुंदर लगता है यहाँ पे। और ऑक्सीजन तो अभी तो बहुत ही ज़्यादा प्योर ऑक्सीजन मिल रही है, कोई पोल्यूशन नहीं है। खैर चलते हैं अब यहाँ से। भाई ये जो आपको सामने दिख रहे हैं बादल है, बिल्कुल पास में आ चुके हैं हम। भाई साहब कितना मस्त रास्ता गया, बिल्कुल ही छोटा सा रास्ता और कितना खराब रास्ता। तभी आप लोग वीडियो में देख के एंजॉय कर सकते हो, इतना खतरनाक रास्ता है। और ये देखो भाई पहाड़ी भी बिल्कुल साथ ही है और हरियाली बहुत ज्यादा है। तो भाई अभी ऐसा कुछ हम लोगों ने रूम लिया है, रूम में वैसे तो कोई खास बात नहीं है बट ये कि नाइट स्टे करने के लिए बेस्ट है। तो अभी हमारे रूम में रूम फ्रेशनर छिड़का जा रहा है और ये बिल्कुल ही नया होटल है, आई थिंक फर्स्ट टाइम हम ही आ रहे हैं। तो खैर अभी कपड़े चेंज करते हैं थोड़ी देर और आराम करते हैं। तो गाइज हमको यहाँ पे कुछ सटेरी लोग मिले हैं जो यहाँ पे ताश खेल रहे हैं, आते ही ताश खेलने लग गए। तो अभी ये यहाँ पे थोड़ी देर एंजॉय करके अपना और फिर डिनर करके और फिर हम लोग चलते हैं यहाँ से, चलते नहीं सॉरी फिर सोते हैं हम लोग। तो भाई मैंने तो जैकेट डाल ली है, यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा है तो अभी जैकेट डाल ली है और आपको दिखाता हूँ रात का नजारा, बैक कैमरे से दिखाता हूँ अभी आप लोगों को। लो जी ये देखो भाई ये हमारे पास में होटल और ये नीचे भी और कुछ ऐसा नज़ारा है रात का, ये साथ में सुनसान रास्ता कहाँ से जाता पता नहीं। चलो भैया अब डिनर करके फिर मिलते हैं आप लोगों से।